हार के प्रमुख कारण भूपेश बघेल जी स्वयं है, ये अहंकारी आदमी। तो कांग्रेस को किसने हराया, ये एक बड़ा मसला है जो दरअसल कईयों को समझ नहीं आया। खुद बीजेपी को भी 3 महीने पहले तक समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ अढ़ाई का अड्डा में आज यही गर्मा गर्म बहस होगी। बात करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे हाहाकार की। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो हार की टीस गुस्सा बनकर नेताओं की जबान से फूट रही है। पहले बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव को हार का जिम्मेदार ठहराया, बाद में चरणदास महंत ने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा, फिर प्रदेश संगठन से नाराजगी की आवाज बुलंद होकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। 12 पूर्व विधायकों ने दिल्ली में दस्तक देकर हार के कारणों को गिनाते हुए प्रदेश संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने सीधे सीधे भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, हार के कारण पर मंथन के लिए बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कांग्रेस को किसने हराया, कांग्रेस का असली विरोधी है कौन, बीजेपी या खुद कांग्रेस और कांग्रेस की अंतरकला। हार के प्रमुख कारण भूपेश बघेल जी स्वयं है, ये अहंकारी आदमी। तो हार के बाद लगातार इसी तरह की स्थितियां। पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम का बयान जो अभी आपने सुना भी, भूपेश बघेल के कारण हारी है कांग्रेस, बघेल के आगे हाईकमान झुक गया। नेताम ने बघेल को तानाशाह, डिक्टेटर और अहंकारी तक बता दिया। तो ये गंभीर आरोप नेताम ने लगाए हैं, सुनवाते हैं आपको। भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस हारी है, बघेल के आगे हाईकमान झुक गया, बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं और बैठकों में बवाल के सिलसिले भी चल रहे हैं। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं है, इसके साथ साथ कांग्रेस हाईकमान भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने निरंकुश होने का मौका दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान सीएम के सामने, भूपेश बघेल के सामने झुकती रही है, दबती रही है। क्या कारण मैं नहीं जानता, ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, जो इनके काम करने के रवैये, इनके स्वभाव, ये अहंकारी आदमी, अहंकार बहुत है, तानाशाह है और जबान के गंदे हैं। शारीरिक जीवन में जबान को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एक एक शब्द का अर्थ निकाला जाता है। देखिए, अरविंद नेताम ना तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में सदस्य हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई लेना देना है, ना ही कांग्रेस पार्टी अरविंद नेताम जी से पूछ रही है कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है। तो कांग्रेस के नेतागण कार्यकर्ता सक्षम है हार की वजह तलाशने के लिए, और हम पूरी एकजुटता के साथ हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अरविंद नेताम जी को तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें उनके साथ ऐसी स्थिति क्या हो गई कि उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया, उनको आदिवासी समाज का तवज्जो नहीं मिला, और अहंकार किसका है, किसके शब्दों में अहंकार झलक रहा है, ये पूरा प्रदेश देख लिया है। रायपुर में कांग्रेस की बैठक हुई तो हंगामा हो गया, पार्टी पदाधिकारियों ने भड़ास निकाल दी दीपक बैज पर। चुनाव के दौरान गद्दारी का आरोप लगाया, काम नहीं होने का आरोप लगाया। तो पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी भड़ास भी निकाली, दीपक बैज पर गुस्सा फूटा है और सवाल जस का तस बरकरार कि कांग्रेस को किसने हराया।
तो अलग अलग बातें, कहां तो वो दावे किए जा रहे थे, 75 पार के दावे किए जा रहे थे और ज्यादा दिन की बात नहीं, दिनों में आप इसे गिन सकते हैं किस तरह से दिनों में स्थितियां बदल जाती हैं और सवाल खड़े हो जाते हैं। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत नजर उनकी लगातार बनी हुई है, जो बैठक, जो आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, जगदलपुर से श्रीनिवास आपको नजर आ रहे होंगे, बस्तर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए रहा, उम्मीदों की जो नैया थी वहां से भी डूबी। सबसे पहले ममता आपके पास, बैठक से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? बड़े सिरफुटवल जैसी स्थिति है बाहर आकर, हालांकि बयान यही दिया जा रहा है कि नहीं सब ठीक है, ऑल इज वेल। जी देखिए, दिल्ली में जो बैठक हुई थी, पूर्व मंत्रियों की जो बैठक हुई थी और उसके बाद जो पूर्व मंत्रियों की जो बैठक हुई थी और उसमें जो है उस बैठक में ये था कि उन्हें मौका दिया जा रहा है लेकिन जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है और ये गुस्सा दबाकर बैठे हुए थे। और यही वजह है कि जो संयुक्त महामंत्रियों की बैठक हुई और PCC जो सचिव की बैठक हुई तो उस बैठक में जमकर गुस्सा निकाला गया, भड़ास निकाली गई। एक पूर्व मंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार भी हुए, जो सचिव हैं उनके, और साफ तौर पर कहा गया कि जो विधायक हैं, जो सिटिंग MLAs हैं, उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो ट्रांसफर हो या पोस्टिंग के मामले हो, उनको लेकर भी उनके काम नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चुनाव के दिन भित्राघात करने का आरोप लगा, ये खुलेआम आरोप लगा कि कई लोग जो है वो जोगी कांग्रेस के बूथ पर बैठे हुए देखे गए, तो किसी ने कहा कि BJP के लिए कोई काम कर रहा था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सर्वे को लेकर यह कहा गया कि कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं सुनी गई, कार्यकर्ताओं के बीच सीधे इंटरेक्शन नहीं किया गया और लगातार कार्यकर्ताओं को जो है अवॉइड किया गया। उनका कहना था कि 15 सालों तक हमने लाठी डंडे खाए और सड़कों पर उतरे, उसके बाद हमने लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आज लोकसभा चुनाव को लेकर भी अगर आप तैयारी की बात कहते हैं तो हम लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, हम लोगों को क्या जवाब दें, क्योंकि हमारी सरकार में लोगों के काम हम नहीं करवा पाए जिनको हमने जो है वो आश्वस्त किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्री है वो भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, विधायक जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, कार्यकर्ताओं को एकदम अलग थलग कर दिया गया था, हमें लगता ही नहीं था कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं पे जो है वो एक्शन हुआ, तो ये तमाम तरह की भड़ास जो है वो निकाली गई। इनफैक्ट इतना तक हुआ कि दीपक बैज को, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि आपसे हम क्या कहें, आप तो 4 महीने पहले ही आए हैं, लेकिन इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनके और सत्ता के बीच में कोई तालमेल नहीं था और उसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भुगतना पड़ता था। एक बात हो जाती थी, एक मार्किंग कर दी जाती थी कि आप इसके व्यक्ति हैं, आप उसके व्यक्ति हैं और बस ये दिमाग में दीपक बैज का आपने जिक्र किया, उनसे जुड़ा भी एक सवाल रहेगा, आम आदमी का सवाल है ये, कभी घड़ी चौक पर कोई पूछ लेता है, कभी कोई कहीं चाय की दुकान पर पूछ लेता है। मैं आऊंगा आपके पास, श्रीनिवास भी लगातार बने हुए हैं। श्रीनिवास, किस तरह के रिएक्शन पूरे बस्तर की अगर बात कर ली जाए, किस तरह के बयान, गुस्सा, नाराजगी? जी जी बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के बयान के बाद स्वाभाविक है बस्तर में जो कांग्रेस के लोग हैं वो काफ़ी नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि अरविंद नेताम कांग्रेस में है ही नहीं, उनका बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद नेताम ने जो बयान दिया है या जो कांग्रेस हारी है उसको सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगा दिया था, भूपेश बघेल पर लगाया, साथ ही हाईकमान पर भी सवाल उठाए, हाईकमान उनके सामने झुकने का बात रखी है, साथ ही जो उनके सलाहकार थे उन पर भी एक गंभीर आरोप लगाया कि जो ओपन मार्केट से सलाहकार उठाए गए थे और उनके वजह से ही कांग्रेस पूरे प्रदेश में हारी है, बस्तर में हारी है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भूचाल मचाने वाली है जो अरविंद नेताम ने दिया है, और पूरा हार का ठिकरा कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मर दिया है। ऐसे में जो कांग्रेस के जो बस्तर के जो लोग हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो भी काफी इस बयान को लेकर कुछ लोग मान भी रहे हैं कि हाँ ये जरूर कुछ बातों में जरूर सही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद नेताम को कांग्रेस पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था, वे कांग्रेस के बारे में इस प्रकार बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो अरविंद नेताम ने जो बयान दिया वो काफी बस्तर सहित प्रदेश में भूचाल तो मचाया हुआ है। जी जाहिर तौर पर ये एक बड़ा बयान भी है, आप नजरअंदाज कर भी नहीं सकते और वो भी तब जबकि इतनी करारी और प्रचंड हार हुई हो, प्रचंड जीत के बाद प्रचंड हार हुई हो। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, एक बात ये भी निकलकर सामने आई, चाय की दुकानों पर चर्चा के दौरान जो छोटे स्तर का कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसने ये भी कहा कि क्या दीपक बैज 11 बजे सोकर उठते हैं चुनावी दिनों में? जी
देखिए दीपक बैज 11 बजे सोकर उठते हैं वाली बात तो अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर भी सवाल जो है ये उठते रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से चुनाव को जो है क्या सीरियसली लिया था, क्या जरूरी था उनको चुनाव पे लड़ना और चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना एक विधायक के तौर पर, जब तब जब आपको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है, लोगों को नाराजगी इस बात पर भी थी कि आपको जो है पार्षद बनाया गया, उसके बाद आपको सांसद बनाया गया, तमाम तरह के जो पद दिए गए, उसके बाद क्या लालसा आपकी बची हुई थी कि आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो गए, और ऐसे समय में जब एक जब संगठन का व्यक्ति जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी हो कि उसको चूंकि थोड़े समय पहले ही आया उसके बीच उसको ये जिम्मेदारी हो कि सामंजस्य जो है वो कैसे बैठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वो कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचे, लेकिन इसके एवज में, लेकिन इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि एक महत्वाकांक्षा दीपक के बैच के मन में ये डाल दी गई थी कि जिस तरीके से लड़ाई हो रही है एक खास कुर्सी को लेकर, तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि दीपक बैच जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि क्या ममता ये भी हुआ कि हर नेता सिर्फ अपनी विधायकी, अपनी कुर्सी, अपनी जगह, हर बड़ा नेता अपनी अपनी जगह पर सिमट गया, जबकि बीजेपी बहुत यूनाइट होकर चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल, देखिए दीपक बैज से हमने सवाल भी किया था, हमने सवाल किया था कि ये कहा जा रहा है कि आप भी मुख्यमंत्री पद के जो दौड़ में आना चाहते थे और यही वजह है कि आपने विधायक का चुनाव लड़ा, तो इस पर दीपक बैज ने कहा कि नहीं, हम मुझे तो हाईकमान ने कहा था और इसलिए मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये साफ तौर पर है कि अगर बात कही जाए तो तमाम जो लोग महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पार्टी पर भारी पड़ी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये हार जाए मैं जीत जाऊं, ये हार जाए मैं जीत जाऊं, और जिस तरीके से अमरजीत भगत ने कहा कि सब अपनी अपनी चलाने पर लगे हुए थे और वजह की पार्टी जो है वो को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है, और कार्यकर्ता जिस तरीके से अब खुलकर सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई है और जो बातें वो कह रहे हैं, इन बातों को लेकर कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि जो नाराजगी जताई जा रही है उस नाराजगी में कहीं कोई गलत नहीं है, तमाम चीजों को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई विधायक सुनते नहीं थे, विधायक अपने अहंकार में थे, जो इन विधायकों की टिकट काटी गई उनका कहना था कि कुछ लोगों की टिकट इसलिए काट दी गई क्योंकि एक हो गया था कि खेमा दो खेमों में आप बटे हुए, आप किसी को कहा गया कि आप भूपेश बघेल के व्यक्ति हैं, कहीं पे आया कि आप टी एस सिंहदेव के व्यक्ति हैं, ये बात भी जो है वो ये तमाम जो टिकट काटी गई उस पर हावी रही ये जो पार्टी के लोग हैं उनका कहना है, और दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ का कहना है कि हमने जो है पार्टी के ही ऐसे लोगों को टिकट दी थी जो है वो दूसरे खेमे के साथ में था या बीजेपी के साथ में था या जोगी कांग्रेस के साथ में था या किसी निर्दलीय के साथ में था क्योंकि वो चाहता था कि सामने वाला न जीते, तो ये तमाम चीजें मतलब आसपास की जो सीटें हैं वो जीतनी नहीं चाहिए ताकि मैं पावरफुल रहूं क्योंकि मैं जीता हूं और बाकी की सीटें हार दी गई, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जो है खुलकर लोग बोल रहे हैं जी। और श्रीनिवास साहब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुसीबत, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर है, मैं सत्ता शक्ति जातीय संतुलन ये सब बीजेपी ने साधना शुरू कर दिया है और कांग्रेस अभी आरोप और गुस्से से ही बाहर नहीं आ पा रही है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, बस्तर की जो 12 सीटें हैं इस 12 सीटों में कांग्रेस ने शुरू से दावा किया था कि हम 12 के 12 सीट जीतेंगे, जगदलपुर जो बस्तर के जो आदिवासी है ट्राइबल है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो कांग्रेस ने दम भरा था और जो योजनाएं लाई थी वो योजनाओं को फेल आदिवासियों ने कर दिया, आदिवासियों ने उनको टोटल नकार दिया, ऐसे में जो अब जो 4 सीटों में बस्तर में जो सिमट गई है कांग्रेस, इनको काफी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बस्तर में एक लोकसभा सीट है, कांकेर में एक लोकसभा सीट है और दोनों आदिवासी सीट है, ऐसे में जो कांग्रेस को फिर से जमीन में उतरना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा क्योंकि कार्यकर्ता भी काफी नाराज है, बस्तर में भी काफी कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं से नाराज है कि उनके भी कुछ काम नहीं हुए। अभी कुछ ही दिनों पहले जगदलपुर कांग्रेस भवन में बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, वहां पर भी काफी हो हल्ला हुआ था, नाराज कार्यकर्ताओं ने सीधे ये कहा था कि बड़े नेता ही बड़े पद में जाने के बाद छोटे कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिए, छोटे कार्यकर्ताओं को काम नहीं हुआ, ऐसे में हम भी काम कैसे कर सकते हैं और लोगों से कैसे जाके मिलेंगे, यहाँ के चूंकि आदिवासी क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता और श्रीनिवास, इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और